9R के comparisons की कोई लिमिट नहीं। आज का हर अंडर 40 के फ्लैगशिप 9R से कम्पीट करना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अपने ही छोटे भाई OnePlus 8T से OnePlus 9R को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि OnePlus 9R और OnePlus 8T एक जैसे हैं, यानी कि करण अर्जुन जुड़वा तो नहीं थे। ओके, देखते हैं कौन है बेटर, करण या अर्जुन। मैं हूँ भीष्म, आप देख रहे हैं महाभारत। मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं कैशिफाई का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं घमासान कंपैरिजन बिटवीन OnePlus 9R एंड OnePlus 8T। लेकिन शुरू करने से पहले खिड़की के नीचे इस सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो में आपको सबसे पहले पता चले कि कौन सी वीडियो आई है और क्या लेके आई है। लेकिन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर बड़ा सा आपको मैं दे देता हूँ। हो सकता है आपको इस वीडियो में 9R के बारे में उतना ज़्यादा अच्छे से ना पता चले, क्योंकि हमारी पिछली वीडियोस जितनी भी 9R के कंपैरिजन थे उसमें लोगों ने मांगा था OnePlus 9R वर्सेस 8T, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। शायद उतनी डिटेल में ना कवर कर पाए जितना हमने पिछले कंपैरिजन में किया है। पूरे कंपैरिजन की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ताकि आप अगर 9R के बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हैं, यानी कि और कंपेयर भी करना चाहते हैं दूसरे फोन्स के साथ, तो हमने काफ़ी फोन्स के साथ कंपेयर किया है। डिज़ाइन से शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं, हाँ, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। वेल, फिर भी कोई डिफरेंस निकाल के देना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि OnePlus 8T comes in two different colors than OnePlus 9R. OnePlus 8T के कलर्स आते हैं एक्वामरीन ग्रीन और लूनर सिल्वर, जहाँ की 9R के कलर्स आते हैं कार्बन ब्लैक और लेक ब्लू। और इनमें से जो सबसे ब्यूटीफुल दो कलर्स हैं एक्वामरीन ग्रीन और लेक ब्लू, ये दोनों हमारे हाथ में हैं, आप देख सकते हैं। एक तो एक जैसे बच्चे, ऊपर से एक जैसे कपड़े। मेटालिक फ्रेम्स हैं दोनों में, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। इवन क्वाड कैमरा सेटअप भी एक जैसा दिखता है, हल्का सा डिफरेंस है। इसीलिए कुछ लोगों ने OnePlus 9R का मतलब रीब्रांडेड 8T भी कहा है। वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि नो IP रेटिंग, लेकिन वेट में बहुत फर्क है, पूरे 1 ग्राम का। ये 189 ग्राम है, ये 188 ग्राम है, देख रहे हैं आप कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है यार, 1 ग्राम का फर्क भी आप फर्क समझते हैं। फ्रंट एंड बैक ग्लास पैनल है, ओलियोफोबिक कोटिंग है, यानी कि फिंगरप्रिंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है तो वो भी काफी अच्छी है, और दोनों में ही एमोलेड स्क्रीन है। इसका मतलब दोनों भाइयों में कोई फर्क अभी तक नहीं नजर आया है, मतलब इतना डिफरेंस भी नहीं है कि अगर मैं एक का कवर दूसरे में लगाऊं तो वो दूसरा भी फिट आ जाता है। डिस्प्ले को और अच्छे से देखें तो कुछ डिफरेंस नहीं है, 6.5 इंचेस की स्क्रीन है दोनों ही फोन्स में। दोनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। जहां तक रही HD कंटेंट की बात, तो एक कमाल की बात है कि दोनों में HDR10 सपोर्ट करता है, बट 9R में वाइड वाइन L1 और 8T में वाइड वाइन L3 सपोर्ट है। इसका इम्पैक्ट हमें प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा। अब आ जाते हैं कन्फ्यूजन पे, जिससे आप भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, वो ये है कि अगर नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट देखते हैं तो दोनों 8T और 9R में दिखता है विद दैट HDR लोगो। अभी अगर मैं बात करूं सिर्फ HD वीडियोस देखने की तो 9R में HD दिखता है, लेकिन 8T में नेटफ्लिक्स ऐप में HD का लोगो नहीं दिखता। तो क्या इसका मतलब 80 में HDR सपोर्ट है लेकिन HD नहीं? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन ये पता है कि प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन एक फर्क मुझे दिखा, वो ये था कि 8T के कलर्स 9R से थोड़े ब्राइटर थे। टच सेंसिटिविटी और हैप्टिक फीडबैक की बात करूं तो दोनों का ही बहुत खूब है, मुझे दोनों का ही बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे कोई डिफरेंस भी नहीं नजर आया। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बाकी फेस अनलॉक, पिन, पैटर्न, वो सब कुछ है, तो जैसे मर्जी अपने फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हैं। वेल, बैटरी में अगर देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, वो ये है कि ऑन टाइम आपको OnePlus 8T में मिलता है 6 से 7 घंटे का, जहाँ की OnePlus 9R में आपको मिलता है 7 से 7.5 घंटे का। OnePlus 9R में आपको मिलती है LPDDR5 RAM, जहाँ की 8T में मिलती है LPDDR4X RAM, और शायद यही रीज़न है कि जो स्क्रीन ऑन टाइम में फ़र्क है, क्योंकि LPDDR5 कंज्यूम करती है 30% लेस पावर देन LPDDR4X RAM। बट दोनों ही फोन्स आराम से पूरा दिन चल जाते हैं। जहाँ तक रही चार्जिंग टाइम की बात, उसमें OnePlus 8T और OnePlus 9R दोनों में ही 65 वॉट्स का वॉप चार्जर आता है। दोनों ही सुपर फास्ट चार्ज करते हैं, 50 से 55 मिनट में 100% चार्ज हो जाते हैं। कई लोगों के एक्सपीरियंस कमेंट्स में हमें पता चला कि 40 मिनट में भी चार्ज हो जाता है,
आई एम श्योर शायद हो सकता है उन्होंने एयरप्लेन मोड में या स्विच ऑफ करके चार्ज किया हो, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट जो भी है काफ़ी फास्ट चार्जिंग है, इवन इफ इट्स बिटवीन 40-50 मिनट्स इट्स सुपर फास्ट। और क्योंकि हम बैठे थे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके दोनों में डिफरेंसेस ढूंढने के लिए, तो हमने एक फाइनली एक डिफरेंस ढूंढा, वो ये था कि खोदा पहाड़ और निकली चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल के अंदर डिफरेंस ये मिला कि 8T के अंदर आपको चार्जिंग केबल मिलती है टाइप सी टू सी, जहाँ की वन प्लस 9R में मिलती है आपको USB A to USB C। अब ये क्यों है इसका रीज़न मुझे नहीं पता, हमें वन प्लस से पूछना होगा। हो सकता है ए टू सी की केबल्स एक्स्ट्रा थी जो उन्होंने वन प्लस 9R में पेल दी। परफॉर्मेंस की बात करें तो वन प्लस 8T में मिलता है स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट, जहां की आपको वन प्लस 9R में मिलता है स्नैपड्रैगन 870। शायद एक यही डिफरेंस है दोनों फोन्स के अंदर। अब इन दोनों प्रोसेसर्स के अंदर कितना डिफरेंस है, शायद उतना ही जितना इन दोनों फोन्स के डिज़ाइन में है, यानी कि कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कम। क्या आपको पता है वन प्लस नॉट सी भी अनाउंस हो गया है? अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये दोनों छोड़िए और वन प्लस नॉट सी देखते हैं? देखिए प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, वो एक मिड रेंजर है और हम यहाँ पर फ्लैगशिप की बात कर रहे हैं, फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस डेफिनेटली डिफरेंट होगा ही होगा। तो अब देखते हैं गीक बेंच स्कोर्स को, और उसमें डिफरेंस बहुत बहुत ही हल्का है। वन प्लस 9R का हल्का सा ज़्यादा है, क्योंकि 870 चिपसेट की वजह से हो सकता है कि एक जनरेशन ऊपर का चिपसेट अगर हम बात कर रहे हैं 865 से, तो डेफिनेटली वो जो हल्का सा डिफरेंस है वो आपको स्कोर्स में दिख रहा है। यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है जहाँ मुझे लगता है कि शायद LPDDR5 LPDDR4X से ज़्यादा अच्छा काम करती है बैटरी बचाने में। हमने ये डिफरेंस समझने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर की तरफ भी ध्यान दिया, क्योंकि वन प्लस 9R की बहुत कंप्लेंट आती है कि वो ओवरहीट करता है, ओवरहीट करता है, बहुत लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में प्रैक्टिकली दिखाया भी है कि ओवरहीटिंग है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप बाकी फ़ोन्स को भी देखेंगे तो उनमें भी ऑलमोस्ट उनसे वन प्लस 9R शायद 1 या 2 डिग्री ज़्यादा हीट हो रहा है, लेकिन सारे ही फ़ोन्स 4K रिकॉर्डिंग में या हैवी गेमिंग में थोड़ा बहुत हीट होते हैं। अब हमने देखा ये डिफरेंस 8T और 9R में कितना है, तो हमने टेम्परेचर में देखा कि दोनों में जब हमने 4K 60fps रिकॉर्डिंग करी 5 मिनट तक, तो डिफरेंस दिखा 28 डिग्री से 34-35 डिग्री तक पहुंच गए दोनों फोन्स, और 30 मिनट लगातार गेमिंग करने के बाद यही टेम्परेचर 38-39 डिग्री हो गया। लेकिन खास बात ये थी कि दोनों ही फोन्स में इंक्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर था। फिर भी अगर मैं बोलूं तो हाँ, 9R हल्का सा ज़्यादा फील हो रहा था, मे बी एट सम पॉइंट वहाँ पर वो थोड़ा सा और 1 या 2 डिग्री वन प्लस 8T से थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा होगा, इसीलिए इतना शोर भी मच रहा है उसकी ओवरहीटिंग के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है उतना प्रॉब्लम, डे टू डे यूसेज में आपको हीटिंग फील नहीं होती। वेल, ये सेक्शन शुरू करने से पहले एक विज्ञापन तो देख लेना चाहिए आपको। ओके, तो अब कैमरा पे आते हैं। कैमरा की बात करूं तो पिछले दिनों मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं वन प्लस 9R को लेके, बहुत सारे कंपैरिजंस करे हैं, वो सारे कंपैरिजंस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, iPhone 12 के साथ, Mi 11X Pro के साथ, iQOO 7 के साथ, iPhone 11 के साथ, iPhone 10R के साथ, और फाइनली अब वन प्लस 8T के साथ। तो वन प्लस 8T के साथ अगर मैं बोलूं तो मैं पूरा संक्षेप में अगर आपको समराइज करके बताऊं तो मैं बोलूंगा कि दोनों के कैमरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी है, यानी कि एक से कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर दिया, यानी कि वन प्लस 8T और वन प्लस 9R में टेक्निकली ऑन पेपर देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इनफैक्ट फ्रंट एंड बैक कैमरा के मेन सेंसर्स भी बिल्कुल सेम है, सेम क्वाड कैमरा सेटअप है, सेम लेंसेज हैं, तो कोई फर्क नहीं। हाँ, अब हम बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिकली कोई डिफरेंसेस हमें दिखे जब हमने कैमरा से फ़ोटो खींची। और हाँ, मैं इससे पहले ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुझे वन प्लस 9R का कैमरा पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स लगती है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। दोनों ही फ़ोन्स की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, मीन्स काफ़ी शार्प और क्लियर पिक्चर्स आती हैं। एक शिकायत जो मुझे कैमरा से लगती है वन प्लस के, और ख़ासकर 9R के कैमरा जाकि 8T भी सेम ही कैमरा है, वो ये है कि कलर्स कभी कभी काफ़ी डिफरेंट आ जाते हैं, जो एक्चुअल कलर्स होते हैं उनसे थोड़े डार्क साइड पे होते हैं, डार्क कलर्स को और डार्क कर देता है, जबकि लो लाइट में परफॉर्मेंस इज़ अगेन वेरी गुड। मैक्रो लेंस मुझे पर्सनली यूजेबल नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ शेक हो जाता है, उसकी वजह से इमेज ब्लर हो जाती है। हाँ, बिना मैक्रो के क्लोज शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो वो भी अच्छी है, टेलीफोटो लेंस भी बुरा नहीं है कम्पेयर टू अदर फोन्स। पिक्चर्स की बात करूं और खासकर डे लाइट फोटोग्राफ्स की बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता मुझे, नेक्स्ट टू जीरो।
और लेकिन मैं लो लाइट अगर फोटोग्राफ्स की बात करूं, यानी कि नाइट में या लो लाइट में, तो हाँ वहाँ थोड़ा टोनालिटी में डिफरेंस है। पिक्चर एक में थोड़ी सी रेडिश तो दूसरे में थोड़ी सी येलोइश। अब ये डिफरेंस क्यों आया इसका मुझे कोई क्लू नहीं है, जबकि दोनों फोन्स बिल्कुल सेम कैमरा के साथ जीवित हैं। अब क्या यहाँ पर चिपसेट की वजह से ये डिफरेंस है? मे बी दैट्स द प्रोसेसिंग प्रॉब्लम और मे बी दैट्स द प्रोसेसिंग डिफरेंस इन बोथ द फोन्स। एज फार एज द हार्डवेयर इज कंसर्न देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। वाइड एंगल दोनों ही कैमरा में बहुत अच्छा है। पोर्ट्रे मोड में सब्जेक्ट और बैकग्राउंड सेपरेशन इज डन क्वाइट नीटली। तो मतलब ये है कि शायद वन प्लस से कलर्स अच्छे से हैंडल नहीं होते, इसीलिए ये हैसलब्लैड के साथ उसने वन प्लस 9 और 9 प्रो में ये कोलैबोरेशन करी कि शायद वो कलर्स को अच्छे से और प्रोसेस कर सके। बट ये कलर्स वाला इशू बहुत ही कम लोगों को ट्रबल करेगा, खासकर जो आईफोन यूजर्स हैं उनको शायद ये कलर्स की प्रॉब्लम लगे वन प्लस में, क्योंकि आईफोन के अंदर सबसे ट्रू कलर्स मुझे दिखे व्हेन आई कंपेयर्ड इट टू वन प्लस। वेल, ऑडियो में मैं कुछ खास नहीं कहना चाहता, क्योंकि दोनों के ही लाउड स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टीरियो डुअल स्पीकर्स हैं, तो दोनों की साउंड क्वालिटी मुझे ठीक लगी, इट्स लाउड इनफ और अच्छी है। 8T बल्कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लाउड लगा वन प्लस 9R से, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा। मैं इन कंपैरिजन में, खासकर इन सेक्शंस के अंदर, आप समझ लीजिए कि मैं एक तरह से सिर्फ समराइज कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई डिफरेंस है नहीं। और 9R के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, फिर भी अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी, तो आपको 9R के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगा। तो हाँ, लाउड स्पीकर्स के मामले में दोनों के फ़ोन अच्छे हैं। जहाँ तक रही ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात, तो 9R से मैं ऑलरेडी बहुत इंप्रेस था, उसका माइक डुअल माइक सेटअप है दोनों में ही, लेकिन माइक 9R का काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड सेम इज़ विद 8T। 8T का मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही हल्का सा, एक छोटा हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन ऑल इन ऑल कंप्लीट ऑडियो सेक्शन दोनों का काफ़ी अच्छा है। जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये वन प्लस 8T से, जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये वन प्लस 9R से। वेल, बात करूं 5G की, तो दोनों ही फोन में 5G सपोर्ट मिल रही है आपको। N78 बैंड की सपोर्ट होगी, दैट्स वन बैंड ओनली। हालांकि वही सबसे कॉमन और सबसे इट्स एक्सपेक्टेड कि N78 बैंड पे ही 5G रन करेगा इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली। 5G के बारे में अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमने रिसेंटली एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, जो आप कार्ड में उसका लिंक देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, जहां आप समझ सकते हैं 5G के बारे में पूरा, कि 5G क्या है, 5G की क्या स्पीड्स होंगी, कौन से बैंड का क्या मतलब है और कौन कौन से बैंड अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। जहाँ तक रही ब्लूटूथ की बात, दोनों में ही 5.1 वर्जन ब्लूटूथ है। और अब मैं बात करूं अगर कैरियर एग्रीगेशन की, तो वो भी दोनों में अवेलेबल है। प्राइस की बात करूं तो वन प्लस 8T है 39,000 का, जबकि वन प्लस 9R आ रहा है 40,000 का, और इसमें भी आपको किसी ना किसी कार्ड पर कोई बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? आपको कुछ सुनाई दिया? ओके, वेल, फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो आपको सिर्फ कलर चूज करना है, एक्वामरीन ग्रीन, कार्बन ब्लैक, लूनर सिल्वर या लेक ब्लू, आपको जो भी कलर पसंद है आप उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फोन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आपको वन प्लस 8T में कोई बहुत अच्छी डील मिलती है या आपको प्राइस डिफरेंस ज़्यादा मिलता है वन प्लस 9R से, तो यू कैन गो फॉर 8T। अदरवाइज 1,000 रुपये के प्राइस डिफरेंस के लिए आई वोंट से और आई वोंट रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर 8T, यू शुड रादर गो फॉर वन प्लस 9R, क्योंकि आप माने या ना माने, इट्स एन अनसेड थिंग इन द इंडस्ट्री कि कोई भी ब्रांड प्रेफर करेगा अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को अपग्रेड करना। तो आप 8T लें या वन प्लस 9R लें, आप कुछ भी लें, आप बस एक चीज़ याद रखें कि आप अपना पुराना फ़ोन बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं कैशिफाई पे। कैशिफाई की ऐप डाउनलोड करें या www.cashify.in पे जाएं, अपने पुराने फ़ोन की वैल्यू चेक करें और अपना ऑर्डर बुक करें, आपके घर से आपका फ़ोन पिक किया जाएगा और आपको इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। Isn't that amazing? तो आप प्लीज़ अपने घर में रहें, सेफ रहें, गेट वैक्सीनेटेड एंड प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।